अब क्या है, विटामिन B7, ठीक है। इसका एक और नाम है विटामिन H के नाम से भी यह जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? H के नाम, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो बायोटीन। क्या है साइंटिफिक नाम? बायोटीन, बायोटीन, ठीक है। अब इसका सोर्स देखते हैं, है ना, यानी कि स्रोत कहाँ कहाँ क्या क्या चीज खाने से मिलेगा। तो जो भी हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, डेयरी मिल्क या और सब, ठीक है, तो उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? विटामिन B7 मिल जाएगा। या एग योल्क खाने से मिल जाएगा, ठीक है। एग योल्क क्या होता है? तो अंडा जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उसमें बीच में सतुआ टाइप का निकलता है, है ना, क्या होता है वो? एग योल्क, ठीक है ना। अंडा का जो बीच वाला जो सतुआ टाइप का जो भाग होता है वही क्या है? एग योल्क है, ठीक है ना। ये भी खाने से हम लोग को क्या मिल जाएगा? विटामिन B7 मिल जाएगा। मूंगफली खाएंगे क्या होगा? विटामिन B7 मिल जाएगा, ठीक है। इससे बीमारी कौन कौन सा होगा, डिजीज कौन कौन सा होगा? तो एक क्या है? पैरालिसिस। क्या है? पैरालिसिस है, ठीक है। एक है स्किन डिजीज, है ना, यानी कि चर्म रोग भी होगा, साथ ही साथ पैरालिसिस भी हो जाएगा, यानी कि जिससे पैर हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। कौन सा बीमारी हो गया? पैरालिसिस हो गया। कौन हो गया? पैरालिसिस हो गया, ठीक है। हालांकि ये पैरालिसिस जो है ब्रेन से ही रिलेट करके है, तो ब्रेन पर आएंगे तो उसमें बता देंगे कि ब्रेन के कहाँ प्रॉब्लम होने से पैरालिसिस का डर हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रेन के पास सिग्नल ही नहीं जाएगा, ठीक है ना, कि किस अंग को कौन सा काम करवाना है, ठीक है, तो वो अंग काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो ब्रेन पर आएंगे तो ब्रेन का हिस्सा यहाँ ध्यान रखना है कि एक होगा पैरालिसिस, कोई भी अंग काम करना बंद करता है, है ना। दूसरा क्या है? स्किन डिजीज, यानी कि चर्म रोग हो जाएगा। विटामिन B7 में दिक्कत नहीं इतना। पैरालिसिस को हिंदी में पक्षाघात या लकवा बोल सकते हैं,